हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 9 पार्ट 3 आनंद इज रेमबो। रेमबो में आपको समझा देता हूँ, रेमबो मीन्स इंद्रधनुष, इसको हम गुजराती में बोलेंगे मेघधनुष। जो बारिश के टाइम निकलते हैं उसको उसके 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो वो रंग एक वायलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार 7 प्रकार के उसके रंग होते हैं, उसको बोलते हैं रेमबो। तो स्टोरी में क्या है, तो स्टोरी में एक आनंदी नाम की लड़की है, वो गहरी नींद में सो रही थी और सपने में उसने एक रेमबो देखा, मीन्स इंद्रधनुष देखा। जैसे वो सपने से बाहर आई, जगी सपने, सुबह का टाइम हुआ और वो जगी, तो उसने तुरंत अपनी जो खिड़की थी, उसकी जो खिड़की थी वो उसने बाहर जाकर देखा, तो वहाँ पर रेमबो दिखाई दे रहा था। जैसे उसने रेमबो देखा वो बहुत खुश हुई, तुरंत जो उसका प्यारा सा बिल्ली, उसका नाम था मिली, उसके साथ वो बगीचे में भागी और जितने रंग थे इंद्रधनुष के, रेमबो के, उतने ही रंग वो फ्लावर के ऊपर पेंटिंग करने लगी। तो स्टोरी में ये था। तो यहाँ पर हम आपको स्टोरी समझाएंगे, तो पेज नंबर 103 ओपन करो। आनंद इज रेमबो। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग मीन्स बारिश, हम उसको गुजराती में बोलेंगे बरसात। आउटसाइड उसको बोलेंगे बाहर, तो रेनिंग। Outside means बाहर। It was raining outside। बाहर की ओर बारिश हो रही थी। मैंने आपको बोला कि बारिश के टाइम ही वो रेमबो निकलता है। तो बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी was fast asleep dreaming of rainbow। आनंदी, dreaming means सपना, तो dream, वो सपना देख रही थी। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेमबोज। आनंदी जो है गहरी नींद में सोई हुई थी और उसने सपने में इंद्रधनुष देख रही थी। शी वॉक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। वो आनंदी उठी, मीन्स जगी, फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, हम उसको गुजराती में बोलेंगे बारी। वो बाहर की ओर उसने देखा। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेमबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा सा, तो हम उसको गुजराती में बोलेंगे विशाल। ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकता हुआ, चमकीला, तो हम उसको गुजराती में बोलेंगे तेजस्वी। उसने क्या देखा, इंद्रधनुष जो उसकी खिड़की थी, उन्हें खिड़की के बाहर उसने क्या देखा, इंद्रधनुष। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेमबो अक्रॉस अ
क्लियर ब्लू स्काई, साफ और नीले आसमान के अंदर एक बड़ा सा चमकीला इंद्रधनुष उसने देखा। उसने जो सपने में देखा वही की वही सेम टू सेम उसने रियल में देखा। आनंदी रन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी रन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट। गार्डन मीन्स बगीचा, तो हम गुजराती में इसको बोलेंगे बगीचा। तो आनंदी नाम की जो लड़की थी वो बगीचे के अंदर भागी, अपनी जो मनपसंद उसकी जो फेवरेट कैट थी उसका नाम था मिली, उसके साथ वो बगीचे के अंदर भागी। क्यों भागी तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप आगे की स्टोरी सुनोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी ड्रॉइंग बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था, उसको ड्राइंग बनाना और पेंटिंग बनाना उसको बहुत पसंद था। टुडे आज सी वॉन्ट टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेम्बो। आज वो इंद्रधनुष मीन्स रेम्बो, मेघ धनुष रेम्बो, आज वह इंद्रधनुष के रंग के अपने बगीचे के फूलों को रंगना चाहती थी। इंद्रधनुष के जो जितने रंग थे उसको वो अपने उसका जो बगीचा था उसको रंगना चाहती थी। सी कलर्ड ऑन फ्लावर विद द वायलेट एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेम्बो, वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन, वन विद द ऑरेंज एंड वन विद द रेड। आनंदी जो है वो एक फूल के ऊपर वायलेट मीन्स पर्पल कलर के थोड़ा सा जो अच्छा अच्छा पर्पल कलर का रंग आता है वो कर रही थी। दूसरे फूलों पर उसने इंडिगो कलर ड्रॉ किया मीन्स इंडिगो कलर किया, फिर उसने किसी और फूल पर ब्लू कलर, फिर हरे हरे पत्ते लीव्स मीन्स पत्ते मीन्स उसके ऊपर उसने ग्रीन कलर किया, और फ्लावर के ऊपर ऑरेंज और रेड कलर की लीव्स मीन्स उसको हम पहुँचाते हैं बोलेंगे। वो उसके जो बगीचे में जो फ्लावर थे उसमें उसने वायर अरे जो पर्पल कलर का जो रंग था वो फिर इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज और रेड कलर के उसने उसके अंदर पेंट किए। उसके बाद नेक्स्ट वन विद द रेड, फिर उसने एक फ्लावर एक फूल के ऊपर रेड कलर किया। वो सब के सब कलर कहाँ पर किए, उसका जो बगीचा था उसके अंदर उसने सब के जितने भी फ्लावर थे उसके ऊपर उसने कलर ड्रॉ किया। कौन से कलर ड्रॉ किए थे, तो एक जो पर्पल कलर था वायलेट वो, फिर इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज और रेड। But she left the yellow so that the sun might look bright and keen. आनंदिनी जो आनंदी नाम की जो लड़की थी उसने पीले रंग छोड़ दिया था, उसका जो
उसके अंदर जो पीला रंग आता है उसने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? जो पीला रंग था वो सूरज का था, इसलिए उसने छोड़ दिया था। वो खुश और चमकदार दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने जो सन है उसके उसका रंग येलो कलर का था, इसलिए उसने येलो कलर का रंग उसने छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुश और चमकदार दिखाई दे रहा था। एंड लो, देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। एंड लो, पूरे बगीचे के अंदर चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर बहुत खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे थे। फूल को देख के गर्व होता था, चारों ओर पेंटिंग करे हुए कलर अच्छी तरह दिखाई भी दे रहे थे और उसको गर्व होता था। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। जो सन था सूरज के ऊपर, सूरज जो ऊपर था और वो चमक रहा था पीले रंग के साथ, गर्व के साथ चमक रहा था बगीचे के ऊपर। जो येलो कलर का आप पिक्चर देख सकते हो, जो एक लड़की है बगीचे के अंदर कलर पेंट करी, उसके ऊपर जो सन था और उसके नीचे भी आप पूरा पिक्चर देख सकते हो। देखो एक लड़की कलर पेंट कंप्लीट ही कलर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद साइड में खड़ी है और ऊपर से जो येलो कलर का जो सन था वो बहुत ही अच्छी तरह चमक रहा था और अपने आप को वो गर्व कर रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो वॉज गॉन। फूलों और सूरज को रंग देने के बाद जो इंद्रधनुष जो था वो चला गया। जैसे उसने सबको जितने उसके जो 7 प्रकार के कलर आते वो उसने ड्रॉ किया, उसके बाद जो रेनबो था, जो इंद्रधनुष था, उसको हम गुजराती में बोले कि मेघधनुष, वो वहाँ से चला गया। वो बारिश के टाइम ही दिखाई दे रहा है, तो बारिश के टाइम ही दिखता है वो। तो आपने वो, आई होप आपने वो देखा होगा। स्टोरी किसने लिखी? अनूप रे ने ये स्टोरी लिखी। तो आपको ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंद्रधनुष मीन्स मेघधनुष के बारे में, मेघधनुष के कितने रंग होते हैं अभी आपको पता चल गया होगा। 7 प्रकार के रंग होते हैं। उसके बाद उसके नीचे देखते न्यू वर्ड, ब्राइट मीन्स बहुत ही चमकीला, चमकदार, हम उसको गुजराती में बोलेंगे चड़कतु या तेजस्वी। फेवरेट मीन्स अच्छी मनपसंद, आपको पता होगा इंडिगो वो कलर का नाम है। फिर इनसाइड, फिर इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर। आउटसाइड बाहर की ओर। फिर रेम्बो, रेम्बो मीन्स इंद्रधनुष, इसको बोलेंगे हम मेघधनुष। फिर वायलेट, वो भी एक कलर का नाम। उसके नीचे लेट्स रीड, अ रेम्बो हैज 7 कलर, रेम्बो के 7 कलर है। कौन कौन से हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। एक है वायलेट है, एक इंडिगो है, एक ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। वो 7 प्रकार के कलर है।
इस तरह रेनबो आसमान के अंदर दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा। इस तरह आप ये आगे बादल समझ लेना, बादल के अंदर से निकलता है बारिश के टाइम। सेवन प्रकार के आते हैं, ये कौन से कलर के हैं? वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। सेवन प्रकार के रंग आते हैं इंद्रधनुष के। तो आपको वो बुक के अंदर आएगा आगे, तो आपको उसके ऊपर कलर भी ड्रॉ करने हैं और उसके नाम भी लिखने हैं। आपको वो ड्रॉ करेंगे उसके सामने आप नाम लिखो, तो आपको वो अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको उसके अगले वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।